अफ्रीकी देश टोगो रिपब्लिक के 40 कमांडो को जोधपुर के राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही वीआईपी सुरक्षा को लेकर उन्हें कई तरह के कोर्स और जानकारियां दी जाएंगी। इसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को शुरू हुआ, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक पी राम जी, आरपीएससी प्रिंसिपल हरेंद्र कुमार सहित टोंगो देश के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल हरेंद्र कुमार ने बताया कि यह जोधपुर और प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि टोगो देश ने अपने देश की सुरक्षा के लिए जोधपुर की इस अकादमी को चुना। यहां पर इन कमांडो को कुल 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रिपब्लिक ऑफ टोगो से आए हुए कमांडो ट्रेनिंग और वीआईपी सिक्योरिटी के लिए 40 लोगों का दल यहाँ पर आया हुआ है, जिनकी यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग और वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग होगी। ये पूरा प्रशिक्षण अवधि लगभग 3 महीने का है। इस अवधि के दौरान इन्हें विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये दो देशों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल स्थापित करने वाला कदम साबित होगा। आरपीटीसी के इतिहास में पहली बार विदेशी कंट्री से हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं और इन सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर हम सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। टोगो देश के अधिकारियों ने विश्वास जताया कि इस ट्रेनिंग के बाद हमारे कमांडो अपने देश के वीवीआईपी की और बेहतर तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे। ये इंडिया और टोगो देश के लिए एक गौरव का क्षण है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए उन्होंने आरपीटीसी का आभार जताया।